हाँ जी गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? भाई देख रहे हो पीछे मेरे, पूरा लेक ही लेक है, इधर भी लेक उधर भी लेक, पूरा पीछे लेक ही लेक। तो भाई ऐसा है, रात अपन आ गए थे फ्लैट पे, जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था। खाना पीना खाया, सो गए थे, एडिट मैंने किया नहीं था। मैं कहा यार अपना आराम से करेंगे। आज अब उठे हैं, थोड़ा बहुत फ्रेश अप हुए हैं। यार थोड़ा देख लेते हैं सूरज को भी ऊपर आके लेते हैं। सूरज अपनी गाँव छत पर जाते नहीं है, इस वक्त छत पर बैठते हैं। और बाकी यार पूरी कोशिश करेंगे इस व्लॉग में दिखाने की आपको बैचलर्स का क्या सीन करता है। क्या अभी यार एक चीज़ बताऊं, जियान तो सो ही रहा है और दूसरा बंदा पता नहीं कहाँ गया अपना, वो उसका कोई अता पता नहीं रहता, वो कब कहाँ क्या करता है। तो अभी मेन पापा तो ही है, राजू अपना वहीं पे है। तो देखते हैं भाई, अभी सबसे पहले तो मैं नीचे जाकर थोड़ी देर में काम करूंगा, अपना ब्लॉग एडिट करेंगे। फिर उसके बाद जब जैन टूट जाएगा फिर काफ़ी चीज़ें करनी है अपने को, खाना बनाना है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आपको बता देंगे भाई। बाकी दशहरा आने वाला यार, पता भी नहीं चला, नवरात्रि भी चली गए, कुछ है ही नहीं आवे दोनों टाइप की। मतलब DLF में तो कल हो रहा था फंक्शन नवरात्रि का, बट वही बात है, DLF में अपन जा नहीं सकते, एंट्री नहीं होगी, ऐसे कुछ तो जुगाड़ देखना पड़ेगा। अरे यार ऐसे तो नहीं चलेगा। और बाकी और कहीं बाहर जाए तो यार, मैं वही बात है कि अपनी व्हीकल नहीं होती, इसलिए मन नहीं करता जाने का, बाहर जाने का, क्योंकि आधा टाइम यार ट्रैवलिंग का बस में ही चला जाता है साला। मान लो ये कह लो कि मैजिस्टिक भी 2-2.5 घंटे मैजिस्टिक लग जाते हैं जाने में, फिर तो उसके बाद वहाँ से मेट्रो पकड़ो या फिर दूसरी बस लेनी होती है, भड़क वाला काम है। कि यार जो ये अपना वाला एरिया है ना, बिल्कुल शांति वाला एरिया, पीसफुल एरिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शोर हो रहा है, बाइकें चल रही है दिन रात, भड़क हो रही है, लड़ाइयाँ कर रहे हैं लोग, बिल्कुल पीसफुल जगह, अपना किनारे बैठे रहो बस शांति से। एक तो साला पता नहीं क्या हो गया यार, नींद जल्दी खुलने लग गई आजकल अपना। पहले ये था कि साला 11, 11:30, 12 बजे तक उठते थे, अब पता नहीं क्या हो गया जब से कॉलेज का रूटीन चालू हुआ है। मतलब कॉलेज तो लेट ही होता है पर फिर भी नींद खुल जाती है 8, 8:30 बजे करीब अपने आप ही। आज भी मैं 8:30 बजे उठ गया था, फिर अभी बस अपना फ्रेश अप हुआ है, अभी आया ऊपर। चलो भाई और कुछ तो नहीं यार मेरे पास कहने को, यहाँ भी इतनी धूप में और क्या करेंगे, जल जाएंगे। यहाँ की धूप ऐसी है भाई, तुम थोड़ी देर खड़े रहो ना तुम्हारे हाथ पैर जल जाएंगे, इतनी तेज धूप होती है। चलते हैं भाई नीचे, अपना करते हैं व्लॉग एडिट, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ एक बार अपने वहाँ पे रूम पे, क्योंकि फ्रेंड आ रहा है मेरा, वो कह रहा है कि यार एक बार थोड़ा घूमस अंदर चलना है, काम है कुछ। तो मैंने ठीक है भाई चल लेते हैं, कोई बात नहीं। कब पहले मेरे को वहाँ पे जाना है, चेंज करना है कपड़े सारे, क्योंकि मैंने यहाँ पे के कपड़े लाया था ना अपने, मैं नॉर्मल लोअर और टी शर्ट नहीं आ रहा था इसलिए। शुक्र यार जल्दी जल्दी मैं अपनी चाबी भूल गया था, यहीं पे याद आ गई रूम की मेरी, बैग में डाल दी थी मैंने, वरना मैं जाता और मेरे को फिर यही कपड़ों में जाना पड़ता, गंदे कपड़ों में। तब एक बार चलते हैं जल्दी से वापसी। तो वही की ले ली थी मैंने वहां से और अब पहुंची अपने पीजी की लिफ्ट में, चलते हैं जल्दी चेंज करते हैं अपने कपड़े। तो भाई हो गए अपने से रेडी, अब चलते हैं, वेट कर रहा है जाना मेरी, मेरे चक्कर में वो भी लेट हो गया। तो भाई अभी यहाँ पहुंच गया है, थोड़ा बस स्टैंड के बाहर बस की वेट करते हैं, देखते हैं कब तक बस आएगी, थोड़ा पर वो बस निकल आ गई शायद। भाई अभी उतर के आते हैं लो मसांद्रा, अभी वहाँ से देखते हैं कहाँ पे जाना है, यही पास में कुछ जगह थी नाम भूल गया मैं, शायद दूसरी बस लेनी हो या फिर जितना जल्दी रास्ता है। पहुँच गए अब यहाँ आती वेले, अपना यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है लोकेशन, वहाँ पे जाना है कुछ काम, चलते हैं। यार वो भी कंट्री था, उसको भी पता कहाँ पे लोकेशन, वो मतलब एक ये लिख दी थी, उसको लगा यही है, अपन चेक करके आया, पर वो तो साला बैंक था और ऊपर बंद था कुछ। अब घर पे कॉल किया, फोन कर रहा है वो कहाँ है क्या चीज़ है, वो मतलब बर्थ सर्टिफिकेट का कुछ काम है। दूसरी जगह पे जा रहे हैं, एक बंदे ने बताया कि तो वो कुछ है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं। फाइनली यार ये मिल तो गया यहाँ पे।
केक बनवाना है, पत्नी बनाओ या कुछ भी जो भी है। तो अभी तो फिलहाल पूजा चल रही है और भीड़ भी है अंदर, ये पीछे हमारे नंदा कचहरी पहले वहीं पे था जहाँ पे हम गए थे, फिर वहां से इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कार पे पहुंच चुका अपना मसंदरा, उसका वो काम तो हुआ ही नहीं, तो करा यहाँ पे नहीं था, कहीं और ही होएगा। अब वो देखो शायद ऑनलाइन ही करेंगे अपना ही, तो बाकी चलते हैं अपना घर की ओर, मतलब फ्लैट ही लगूंगा ना या फिर साले पीछे जाके उसको वहाँ से मिला। अब अंडे आ चुके हैं यहाँ पे, एक बार चलते हैं चेंज करते हैं और अपने घर के चेंज कपड़े निकल चुके हैं, दोबारा संभाल लेते हैं रास्ते में से कुछ कुछ। शिमला मिर्च खा ले दो तीन और अपना बढ़िया शिमला मिर्च खाएंगे आज, हरी मिर्च और प्याज ले लिए, प्याज पड़े हैं नहीं। फिर दो तीन दो तीन चार ले लो, पैकेट दो जन ले लेते हैं अभी थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान भी, फिर चलते हैं अपना बनाएंगे खाना। तो भाई आ चुके हैं वापस अपना फ्लैट पर, और ये देखो पीछे में और अभी सब्जी बना रहे हैं और खुशबू ऐसी आ रही है सब्जी की मस्त वाली एकदम, अपना तो मैं ऐसा कर रहे कच्ची खा ली, कच्ची खा नहीं सकते जल्दी से खाते हैं यार, बहुत भूख लगी है। अभी हो गया यार खाना तो अपना, मतलब एक हेलो लंच हुआ है अब हमारा 6 बजे करीब, मजा आ गया, ब्रंच भी कह सकते हैं लंच भी कह सकते हैं डिनर भी, डिनर तो बनाएंगे बाकी थोड़ा लेट बेशक, बट मौसम एक नंबर हो रहा है अभी।